अरे मुझे याद आता था, एक ब्लू शर्ट में कोई पर्सन है, वो येलो कलर का हेलमेट सेफ्टी कैप पहना हुआ है और ऐसा फाइल लेकर जा रहा है। बाद में पता चले तो ऑफिस बॉय का काम होता है, ऑफिस बॉय होता है ना, वही होता है ना जनरली, ऐसा कहीं पर ब्लू कलर का शर्ट पहना है, कुछ पहना है। जब मैं दुबई में था, अलग अलग कंट्री में काम किया, तो इंजीनियर का मतलब क्या होता है? फिर किसी ने बोला इंजीनियर का मतलब होता है इनोवेशन जो करता है। जब इनोवेशन करते हैं तो हम लोग सर 20 लाख इंजीनियर हम लोग बनाते हैं, ऐसे 300 यूनिवर्सिटी मिलके हर साल 20 लाख इंजीनियर बनाते हैं, 20 लाख इंजीनियर। ये तो मैं बहुत छोटा, ये कोरोना के पहले का बता रहा हूँ, कोरोना के बाद तो सिचुएशन चेंज हो गया, लेकिन 20 लाख इंजीनियर हम लोग हर साल बनाते हैं 300 यूनिवर्सिटी मिलके। इसका मतलब ये हो गया, जैसे आपने बताया कि इनोवेशन करना है आपने बताया, तो 20 लाख में से चलो 10 लाख को छोड़ दिया जाए तो 10 लाख इनोवेशन तो होना चाहिए। होता है क्या 10 लाख इनोवेशन होता है? चलो 10 लाख भी छोड़ दो, 50% और कम कर दो, 5 लाख तो होना चाहिए, चलो वो भी कम कर दो, 1000 तो होना चाहिए वो भी कम कर दो, 5000 इनोवेशन तो होना चाहिए। सब तो हम एडॉप्ट कर रहे हैं ना, ये कहाँ से लिया, व्हाट्सएप कहाँ से लिया, रहे वहाँ से लिया, ये कहाँ से आया, ये तो कंट्री से आया है, ये कहाँ से आया, चाइना से आया। चाइना रोज एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट करता है, उसको सिर्फ मालूम पड़ना चाहिए। ये जो खिड़की है ना, खिड़की के अंदर एक ब्रश की जरूरत पड़ती है, देखो फटाक से बना देते हैं, क्या है उनके पास ऐसा। एक देश है भारत देश, जब आजाद हुआ ना तो उसी के अगले साल एक और कंट्री आजाद हुआ था, 14th May 1948 को सिंगापुर, 14th May 1948 को। 1970 तक उधर सिर्फ यही, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किताब लिखे इंडिया 2020, उसके अंदर पूरा विवरण दिया हुआ है कि 1970 तक केवल वो लोग यही पूछते थे, अरे तू काय जेवला आज, मी ना आज हे थोड़ा सा चपाती घेतला आणि असं थोड़ा सा सूप वगैरह घेऊन आलो, उन लोग बस यही बात करते थे, उनकी लाइफ में कुछ था ही नहीं। लेकिन आज वहां का मोसेट राष्ट्रपति, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है ना, उसकी रक्षा करता है। और वहां पे सक्सेस का चांस कितना है पता है? वहां पे अगर कोई भी बिजनेस आप डालोगे तो 99.4% सक्सेस चांसेस है। आज वीपेन में एक नंबर है, एग्रीकल्चर अभी हम लोग इरिटेशन कौन सा है, वो एरिवेशन जो टेक्नोलॉजी हम तो अभी यूज कर रहे हो, तो पहले से यूज करके उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, कौन बोला, किसने बोला, किसने बोला, ये लीजिए, इज़राइल। इज़राइल एक ऐसा देश है जो आज नंबर वन पे हर चीज में पहुंच गया। अगर आपने उसके बारे में कुछ बोल दिया तो पृथ्वी पे रहने का हक नहीं है, सोचिए, ऐसा कंट्री बन गया है। 70 में भी उतनी बारिश होती थी और आज भी उतनी बारिश होती है, लेकिन आज एग्रीकल्चर में एक नंबर पे कैसे पहुंच गया, वो क्या था उधर? आज का जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड है, क्या था उधर? 1970 में भी उतना ही बारिश होता है और आज भी उतना ही बारिश होता है, लेकिन आज 700 टाइम उनका एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन बढ़ गया है। वीपेन में एक नंबर हो गया है, आज एजुकेशन में एक नंबर हो गया है, क्या है ऐसा? आज सोचिए ना, अमेरिका के राष्ट्रपति को वो लोग सेफ्टी दे रहे हैं। हमारा जो साईं बाबा का मंदिर था, यहाँ पर भी इसराइल सरकार का ही वो था, वो पूरा सेफ्टी उनको दिया गया था। बहुत जो इंपॉर्टेंट जगह है इंडिया का, वहां पर भी इसराइल सरकार का या इसराइल का ही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्या है ऐसा उधर? तो एक बहुत अच्छा है, सब लोग ऐसा हाथ करेंगे, ऐसा बनाएंगे, सब लोग ओवेल बनाएंगे, ओवेल सब लोग बनाएंगे, ओवेल, हाँ सब लोग ओवेल बनाएंगे, बनाइए ना एक बार, हाँ ओवेल बनाएंगे, वेरी गुड। अब जो नीचे की तरफ है ना, वो है वहां पे डेड सी, या आपने वहां का नक्शा बना दिया, आपने नक्शा बनाया, उसका नक्शा ऐसा ही है, आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। यहां पर आता है मृत सागर, डेड सी, और ऊपर आता है सी ऑफ गैलीली। मृत सागर में नाम से ही है कि उधर कुछ भी नहीं है, लाइफ ही नहीं उधर, कुछ भी नहीं उधर, उधर वो सिर्फ लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है। वहां पे आदमी सुसाइड भी करने जाएगा तो सुसाइड भी नहीं कर सकता है, क्यों? वो ऊपर ही फ्लोट हो जाएगा, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो वहां पे लोग जाते सिर्फ फोटो निकालते हैं, जाते ऐसा न्यूज़पेपर, ऐसा लेटे लेटे न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, मृत सागर डालेंगे तो वही फोटो आएगा। ऊपर है सी ऑफ गैलीली, जहां पर जीवन है, जो लोगों को जीवन देता है, जीव जंतु मछली सबको वहां पर, पेड़ पौधे सबको वहां पर लाइफ मिलता है। लेकिन वहां पर एक चीज कॉमन है, क्या? दोनों को पानी एक ही रिवर देता है और उस रिवर का नाम है रिवर ऑफ जॉर्डन। पानी एक ही है, दोनों का पानी एक ही है, लेकिन एक क्या बन रहा है, वो लेने वाला बन रहा है और एक देने वाला बन रहा है। अब आपको डिसाइड करना है अपने को क्या करना है। आप इंजीनियर तो बन जाओगे, गारंटी दे रहा हूं, आप इंजीनियर बन जाओगे, 4 साल में आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा, कुछ भी करके हो जाता है, 1957 से चल ही रहा है, आप भी हो जाओगे, 20 लाख में से आपका भी नंबर आ जाएगा। तो हो सकता है एक दो आगे पीछे एक दो साल हो जाएगा, लेकिन आप भी आ जाओगे, अच्छे नंबर से आ जाओगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो कहा था, गढ़ आला पण सिंह गेला,
वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। अरे यार इतना अच्छा टाइम मिला था अपने को, 4 साल का टाइम मिला था, 4 साल में अपन एक खुद का इनोवेशन कर सकता था। वैद्य सर है वहां पर, हम लोग उनको मिलकर कुछ तो ऑटोमेशन का प्रोडक्ट बना सकते थे। देशमुख मैम है वहां पर, वहां पर कितने सारे अलग अलग फैकल्टी है, सबके साथ मिलकर कुछ तो एक नया प्रोजेक्ट बनाया होते कुछ तो। मैं कभी गया था दिल्ली में SD सनातन धर्म SD स्कूल, वहां पर ना 7th स्टैंडर्ड के बच्चे ने बिजनेस डाला है। वहां पे जो पेपर होते हैं ना 2 साल के बाद रिश्वाय कर देते, जो आप पेपर देते हो ना वो पेपर बाद में कहाँ जाता है, वहां के जो स्कूल है मैनेजमेंट वो पेपर जो है 2 साल के बाद वेरीफाई होने के बाद वो दे देते हैं रद्दी में, रद्दी में वो बच्चों को बेच देते हैं और वो बच्चे उससे राखी बनाते हैं, उसे न्यूज रिसाइकल पेपर बनाते हैं। वहां पे उन्होंने कंपनी डाला हुआ है, स्कूल के अंदर कंपनी डाला हुआ है। वो बच्चे बोले कि हमको अभी पढ़ने में मन नहीं लगता है, बोले ठीक है तुम पढ़ाई भी करो, जितना समझ में आता उतना पढ़ाई करो और ये खुद का बिजनेस डालो। मैं 7वीं और 8वीं के बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली स्कूल की बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली स्कूल तो अभी सबके लिए मॉडल बनते जा रहा है, सबके लिए एक मिस वो एक आइडियल बनते जा रहा है दिल्ली स्कूल, वहां पर मैं भी गया था। आज से हमें क्या करना है, ये इंजीनियर की पहले परिभाषा समझ लीजिएगा। पानी दोनों तरफ एक ही है, मृत सी में भी वही पानी जा रहा है लेकिन वो सिर्फ ले रहा है, कुछ करता नहीं है साहब। लोग बोलते हैं ते का है ना इंजीनियर लोग का ना क्या वैल्यू नहीं है। अच्छा हमने कभी वैल्यू बनाया नहीं, हमने कभी बनाया नहीं। विश्व सरैया का नाम सुना, अभी जन्मदिन है उनका, 15 तारीख को उनका जन्मदिन है और वो जन्मदिन हम क्या रूप में मनाते हैं, हाँ इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। हमने कभी वैसा बनाया नहीं, हम अपना वैल्यू नहीं बनाते। अपने को तो क्या है, देखो अपने को मैं पूछता हूँ लोगों को फर्स्ट ईयर में पूछता हूँ क्या करना है, मेरे को ना इनोवेशन करना है, काय तरी ऐसा डिजाइन माला बनवायचा है, काय तरी ऐसा ना नवीन काय तरी माला शोध लावायचा है। अच्छा और फाइनल ईयर में वही बच्चों को जब मैं पूछता था बोले नहीं सबसे 2 KT बचा है सिर्फ 2, बस ये 2 निकल जाए, ये टॉम मेरे से दिमाग में आ नहीं रहा है, ये मशीन डिजाइन नहीं आ रहा है। वो क्या सर के साथ थोड़ा पंगा ले लिया था, अरे सर के साथ, सर का बेचारे को कुछ संबंध ही नहीं है, उनको तो पता भी नहीं चलता है, पूरा मास्क बांधा रहता है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। लेकिन हम लोग क्या क्या सोचते हैं, हमें क्या कहे, हाँ सो व्हाट डू यू मीन बाय एन इंजीनियर, ये इंजीनियर होता कौन है, इंजीनियर होता कौन है, जो गैरेज में काम करता वो इंजीनियर, ये इंजीनियर है या जो इंजिन पे काम करता है वो इंजीनियर है। पहले था, पहले जो इंजिन पर काम करता था उसको इंजीनियर बोलते थे, लेकिन आज तो जितने लोग है जितने फील्ड है उतने इंजीनियर आ गए। मरीन इंजीनियर आ गया है, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर आ गया है, कोरोना इंजीनियर आ गया, पता आपको कोरोना इंजीनियर आ गया पता आपको। हाँ वो जो ऑक्सीजन और ये सब वेंटिलेटर का जो काम करता था, ऑक्सीजन कैसे बढ़े उस पे जो काम करते वो इंजीनियर आ गया है। VFX का इंजीनियर आ गया। आप गली में भी जाएंगे वो भी तो इंजीनियर पढ़ाते हैं, आता है ना कि हाँ 6 महीने डिप्लोमा इंजीनियर हुआ, अरे ये कौन सा है 6 महीने डिप्लोमा इंजीनियर 6 महीने है ना, बहुत जगह आप पढ़ेंगे ऐसे रस्ते पे रहता है ना, कहीं तो भी MS ऑफिस सिखाएंगे, DTP सिखाएंगे और कुछ सिखाएंगे, वो भी तो इंजीनियर होता है, डिप्लोमा वाला भी इंजीनियर होता है और आप भी इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो फर्क क्या है ये। और जिस दिन ये फर्क समझ में आ गया ना, फिर उसके पास डिग्री है या नहीं है फिर आप बोलोगे ये आदमी इंजीनियर है। द पर्सन, पूरा ध्यान से सुनना, द पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, द पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, दैट पर्सन ही आर शी कोई भी होने दीजिएगा, दैट पर्सन यू कैन कॉल एज एन इंजीनियर। जो बस जो एफिशिएंसी बढ़ाता है, बिल्डिंग है मुकादम भी बना सकता है ना, आप जाइए रस्ते में भिखारी लोग खड़े रहते हैं, आप कोई चौक पे चले जाइएगा वहां पे रहते हैं सवेरे वो लोग पूरा हथियार लेके खड़े रहते हैं, उस 500 रुपया रोज पे काम करते हैं, फिर इंजीनियर को बुलाने की, सिविल इंजीनियर को बुलाने की क्या जरूरत है। एप्स कोई भी बना के देता है, ये IT इंजीनियर को और कंप्यूटर इंजीनियर को बुलाने की क्या जरूरत है, ये तो आप डायरेक्ट कोई भी NIT से भी कर सकते थे, यहां पर आकर इंजीनियर बनने की जरूरत क्या है, सिर्फ इंजीनियर टाइटल चाहे तो वहां पर भी मिल सकता है ना, लेकिन नहीं, यहां पर अगर आप आए हैं ना तो यही 2 चीज पर आपको काम करना है, पूरे लाइफ टाइम काम करना है। हो सकता है कल आपका डीमार्ट हो सकता है कल आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करेंगे, हो सकता है कल आप प्रोफेसर बन जाएंगे, हो सकता है कल आप बिजनेसमैन बनेंगे, हो सकता है कल आप शायद कोई आपका कोई एलन मस्क जैसा, एलन मस्क इंजीनियर है क्या, एलन मस्क इंजीनियर है, कॉमर्स का स्टूडेंट है लेकिन उसने इंजीनियरिंग की किताब पढ़ पढ़कर वो इंजीनियर बना है। सोचो रॉकेट क्या है, SpaceX उसने बनाया है, उसके लड़के का नाम क्या है पता आपको, A-12E पता नहीं क्या है, ऐसे कैसे है लोग खुरापाती दिमाग में कुछ भी करते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर ने ही बनाया, वो कौन सा क्रिप्टो कॉइन आया हुआ है खुरापाती दिमाग से किसी ने बनाया क्रिप्टो कॉइन्स, या आप जैसे ही किसी IT इंजीनियर का ही था, वो जापान में रहता था, क्या नाम था उसको,
सातोशी नाका मोटो सा यानी क्या सैमसंग तोशी तोशीवा ने, जब मैं पढ़ रहा था उनके बारे में मैं देखा बापरे, और एक खुरापाती दिमाग की उपज थी, किसी ने सोचा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है हमें क्या करना है। अच्छा ये इंजीनियर का तो काम समझ में आ गया, इंजीनियर कौन होता है समझ में आ गया, बट ये इंजीनियर जो होता है द पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी दैट पर्सन इज नोन एज इंजीनियर, लेकिन इसका काम क्या होता है फिर, इसका काम क्या होता है इंजीनियर, इंजीनियर का काम क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, क्या होता है ड्यूटी अंदाजन क्या लगता है क्या काम होगा उसका, क्या काम करते हैं? हाँ 9 to 5 काम करते हैं, बस दबा के काम करते हैं एकदम, यानी पूरा एकदम, यानी इतना है ना अपने आप को खत्म कर देते हैं। और पिक्चर में मैं देखता हूँ अगर इंजीनियर कुछ सोच रहा